नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ मिशा सिंह। दिल्ली में इन दिनों सियासी घमासान मचा हुआ है। विधानसभा परिसर में आप बीजेपी विधायकों ने धरना प्रदर्शन किया और एक दूसरे के खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। बीजेपी डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के इस्तीफे की मांग करती हुई नजर आई तो आप विधायकों ने एलजी पर करप्शन का आरोप लगाया। देखिए ये हमारी रिपोर्ट। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में इन दिनों सियासी तूफान आया हुआ। दिल्ली में फिर एक बार धरने की राजनीति का दौर शुरू हो गया। नई शराब नीति में अनियमितताओं को लेकर एक तरफ बीजेपी आप सरकार के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के इस्तीफे की मांग पर अड़ी है तो अब आप विधायकों ने एलजी विनय कुमार सक्सेना के खिलाफ नोटबंदी के दौरान काले धन को सफेद करने का आरोप लगाकर मोर्चा खोल दिया। बता दें कि दिल्ली विधानसभा के विशेष सत्र के समापन के बाद सोमवार रात को ही दोनों पार्टियों के विधायक विधानसभा परिषद धरने पर बैठ गए और एक दूसरे के खिलाफ जमकर भ्रष्टाचार के नारे लगाए। दिलचस्प बात यह है कि जहां आप विधायक महात्मा गांधी की मूर्ति के नीचे धरने पर बैठे तो बीजेपी के विधायक भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की प्रतिमाओं के नीचे धरने पर बैठकर नारेबाजी करने लगे। आप विधायक दुर्गेश पाठक ने एलजी पर निशाना साधते हुए कहा कि जब उपराज्यपाल खादी और ग्रामोदय आयोग के अध्यक्ष थे तो उन्होंने कथित तौर पर नोटबंदी के दौरान खादी ग्राम उद्योग के कैशियर पर दबाव डालकर पुराने नोट चेंज करवाने को लेकर 1400 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार किया। बता दें कि आपने इस मामले में केंद्र सरकार से निष्पक्ष जांच करवाने की मांग की। आज मैं देश के सामने 1400 करोड़ रुपए के एक बहुत बड़े घोटाले का खुलासा करने जा रहा हूं। ये घोटाला हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम पे हुआ। ये घोटाला उनके प्रतीक चिन्ह खादी के नाम पे हुआ और बड़े दुख और शर्म के साथ ये कह रहा हूं कि ये घोटाला किसी और ने नहीं बल्कि दिल्ली के उपराज्यपाल महोदय विनय कुमार सक्सेना जी ने किया जब वो खादी के चेयरमैन थे। वहीं बीजेपी के विधायकों की मांग है कि भ्रष्टाचार के आरोपों में लिप्त उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को तुरंत प्रभाव से निष्कासित किया जाए। साथ ही एक्साइज पॉलिसी में हुए भ्रष्टाचार को लेकर विधानसभा में भी चर्चा की जाए। बहरहाल आप और बीजेपी की पावर पॉलिटिक्स से नुकसान सिर्फ दिल्ली की जनता को हो रहा। अब देखने वाली बात यह है कि इस धरना पॉलिटिक्स का परिणाम क्या होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीएनपी न्यूज़।